काफ़ी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस संस्था में जुड़ने के लिए और आदित्य सर, सोनू सर और नितेश सर, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हमको नहीं पता था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे इतना कम एज में, और यहाँ तक आना काफ़ी कठिन होता है। और इस यानी सेंटर के साथ माध्यम से हम आप लोगों को कुछ बता पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। और कहते क्या है कि आप संघर्ष कीजिएगा ना, आपको ही सफल मिलेगा। जब तक संघर्ष नहीं करेगा, संघर्ष में कुछ समस्याएं होती है, लेकिन उन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। जब तक समस्याओं से नहीं लड़िएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। पढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन उन परेशानियों से लड़ना पड़ता है। और घर की परेशानी होती है, कुछ डिस्टर्ब भी होता है, पढ़ाई भी उस डिस्टर्ब में पढ़ाई भी छुड़ा दिए जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई छुड़ा दिए गए तो आप पढ़ाई छोड़ नहीं दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने से खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। नहीं तो क्या होता है, नहीं कहते हैं कि भेज दिया गया, पढ़ता नहीं था, भेज दिया गया बाहर कमाने के लिए। तो आप बाहर कमा रहे हैं तो कमा कर बढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ाई नहीं छोड़िए। ये लाइफ पढ़ाई की लाइफ कभी नहीं मिलेगी। अगर जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा।